अच्छा गाइस, अच्छा आज मैं ये बताना चाहता था कि एक सेल्समैन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यानी अगर एक एज ए सेल्समैन एक कोई सेल्स वर्कर है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मैं शो करूंगा आपके सामने कि अगर आप एक सेल्समैन का जॉब ढूंढ रहे हैं तो उसके अंदर आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल सकती है और क्या क्या आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो उस सेल्समैन के इंटरव्यू के अंदर क्या क्या आपसे क्वेश्चन हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। वीडियो में एंड तक बने रही है, इंशाल्लाह आपको सारी मालूम मिलेगी। ओके, देखें जब भी आप एज ए सेल्समैन आप काम करेंगे किसी भी शॉपिंग मॉल के अंदर तो आपका काम ये होगा कि ये डिस्प्ले आपको बराबर चेक करना है, यानी डिस्प्ले जो भी यहाँ आइटम्स डिस्प्ले आप देख पा रहे होंगे इस डिस्प्ले के अंदर जितना भी ये सेक्शन वाइज ये डिस्प्ले हुआ है, यानी यहाँ से लेकर के बिल्कुल आखिर तक ये जो भी डिस्प्ले वगैरह है बिल्कुल ऐसा ये मेंटेन करना है। एक सेल्समैन का काम ही है, एक शॉपिंग मॉल के अंदर सेल्समैन का काम मैं बता रहा हूँ कि एक एज ए सेल्समैन अगर आप एक शॉपिंग मॉल के अंदर काम कर रहे हैं तो आपके ये काम होगा कि पूरा डिस्प्ले देखना। कस्टमर आता है, कभी कभी कस्टमर ऐसा एक चीज़ उठाता है, ऐसे ये एक चीज़ उठाएगा और रख देगा, ऐसा रखेगा, तो वो चीज़ आपको बिल्कुल मेंटेन करना है कि ये जैसा रखा हुआ तो वैसा आपको रखना पड़ेगा। अगर एक सुपरवाइज़र अगर आपके राउंडिंग पे है आपके शॉपिंग मॉल में और वहाँ आकर देखता है कि ये चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है तो आप पर फाइन कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा अहम चीज़ है एक सेलिंग डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप एज ए सेल्समैन काम कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सारी चीज़ें जो है आपको बहुत ही मेंटेन करके रखना पड़ता है। यानी कि अगर एक कस्टमर ख़राब करके चला जाता है तो उसको बिल्कुल क्विकली आपको मेंटेन करना होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पूरा यहाँ से यहाँ तक ये जो सारी चीज़ें हैं सबको ये मेंटेन करना पड़ता है। अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो आप एक एज ए सेल्समैन अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, तो ये मैं आपको बताना चाहता था। और दूसरी चीज़ ये है नंबर ऑफ टू की यहाँ पर जैसे बारकोड लेके हुए हैं, सही है, आपको अंदर से जब ये स्टॉक ख़त्म होगा, इधर का आइटम जब आपको ख़त्म होगा तो अंदर से माल आएगा, नया माल आपको डिस्प्ले कैसे करना है, सामान एडजस्टिंग करनी है, यानी सामान वन बाई वन रखना है। जैसे कि ये सामान है तो बिल्कुल इसके पीछे वही सामान होना चाहिए, दूसरा सामान नहीं होना चाहिए। जैसा आप जैसा कि देख सकते हैं ये सामान है तो इसके पीछे वही सामान है, दूसरा सामान नहीं होगा, ये पूरा ऐसा डिस्प्ले होगा। ऐसा नहीं है कि ये सामान है इसके पीछे कोई और सामान है, तो ये फिर गलत डिस्प्ले है और वो आपका सुपरवाइज़र जो है आपको कैच करेगा इस चीज़ पे कि तुम ये काम सही नहीं करते। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप सेलिंग डिपार्टमेंट के अंदर जाते हैं एज ए सेल्समैन तो ये बहुत ही बराबर ध्यान दें कि जो सामान डिस्प्ले हुआ उसके पीछे वही सिमिलर सामान होना चाहिए, दूसरा आइटम नहीं होना चाहिए। दूसरा आइटम होगा तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है कस्टमर को सामान जो है बल्क क्वांटिटी ख़रीदने में, बल्क क्वांटिटी नहीं ख़रीद पाता उसको, सामान इजीली फाइंड नहीं हो पाता है, तो ये चीज़ का बहुत ही ध्यान रखें। और दूसरा ये चीज़ कि अगर 1795 सेलिंग प्राइस है इसका, ओके, तो दूसरा उसके पीछे अगर सिमिलर आइटम है तो उसका सेलिंग सेम होना चाहिए, ना कि डिफरेंट। कभी कभी ऐसा होता है बारकोड चेंजिंग आता है, यानी कभी कभी सिस्टम से गलत हो जाता है तो ये अंदर कुछ और प्राइस होता है बाहर कुछ और प्राइस होता है, तो ये बराबर चेकिंग करना मांगता है एक एज ए सेल्समैन। अगर आप काम कर रहे हैं तो बराबर आपको चेक करना पड़ता है, अगर आप चेक नहीं करते हैं तो बहुत ही मुश्किल आता है। फिर कस्टमर ख़रीद करके लेके जाता है, जब कैश काउंटर पर जाता है तो वहाँ लफड़ा करता है, फिर लफड़ा होता है तो रिसेप्शन पर जाता है, जब रिसेप्शन पर जाता है तो वहाँ से जो सेल्समैन उस सेक्शन का है वो पकड़ा जाता है, जब वो पकड़ा जाता है तो वो कंपनी आपके ऊपर फाइन करती है या आपका जो रेटिंग लेवल है वो माइनस जाता है कि आप अच्छा से केयर नहीं करते अपने सेक्शन को। ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही अहम है एज ए सेल्समैन अगर शॉपिंग मॉल के अंदर आप काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, तो ये बराबर ध्यान दें। और जैसा कि मैंने आपको बताया जो भी चीज़ें जितना मेरे समझ में आया और जितना मैंने अभी तक सीखा हुआ है और मैंने जो देखा है काम करते हुए वो सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर किया। और दूसरा चीज़ अगर जैसा ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। एज ए सेल्समैन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो मैंने आपके साथ शेयर किया, बने रहे वीडियो में आखिर तक, पूरी चीज़ें मैं बताऊँगा, हत्ता पूरी चीज़ें बिल्कुल हो चुकी है। ये देखिए ये कैसा जो है डिस्प्ले, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, ये डिस्प्ले नंबर वन बाई वन है, यानी जो सिमिलर आइटम है वो सिर्फ सिमिलर उसी लाइन में, दूसरे लाइन में नहीं है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक एज ए सेल्समैन अगर आप काम कर रहे हैं तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसे वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।